sociological imagination, the personal problem and the public issue. We began with a set of suggestions that drew our attention to how individual and society are directly linked. तो हमने जो चैप्टर की शुरुआत करी थी उसमें कुछ सजेशंस के सेट निकाले थे जिसमें हमने ये ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी थी कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है वो आपस में लॉजिकली लिंक्ड है. दिस इज अ पॉइंट दैट सोशियोलॉजिस्ट ओवर सेवरल जनरेशंस हैव बीन कंसर्न्ड विद. और यही वो एक पॉइंट है जिससे सोशियोलॉजिस्ट जो है चाहे कितने भी जनरेशंस गुजर चुकी हों इसी से मेन रिलेटेड है. सी राइट मिल्स रेस्ट हिज विजन ऑफ द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन प्रिसाइसली इन द अनरेवलिंग ऑफ हाउ द पर्सनल एंड पब्लिक आर रिलेटेड. जो सी राइट मिल्स थे उनका जो नजरिया था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का वो एक तरह से था कि पर्सनल और पब्लिक जो एक दूसरे से रिलेटेड है इनकी जो बीच की जो गांठ है उसे किसी तरीके से रिमूव किया जाए. द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी. जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम जो है समझ सकें हिस्ट्री को, बायोग्राफी को और जो रिलेशन है इन दोनों का सोसाइटी के अंदर उसको. That is its task and promise. यही इसका काम है, यही इसका promise है. Perhaps the most fruitful distinction with which the sociological imagination works is between the personal troubles of the milieu and the public issues of the social structure. सबसे ज़्यादा जो fruitful हम distinction मानते हैं sociological imagination जिससे काम करती है वो है personal troubles जिस environment में हम हैं और public issues जो सामाजिक structure जिस तरह का बना हुआ है उसमें. Troubles occur within the character of the individual and within the range of his immediate relation with others. परेशानी कहाँ उत्पन्न होती है? एक तो individual के खुद के character की वजह से या जिसके उसके आसपास से जिससे उसके relations हैं एकदम से उसका immediate relations हैं उसके range में जो है परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं. They have to do with his self and with those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. अब उसे इसमें अपने आप खुद से या जो उसका सीमित दायरा है सोशल लाइफ का जिससे वो डायरेक्टली या पर्सनल तौर पे अवेयर है उससे इसको जो है एक तरह से निकलना होगा. इश्यूज हैव टू डू विद मैटर्स दैट ट्रांसेंड दिस लोकल एनवायरनमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रेंज ऑफ इनर लाइफ. अब इन जो मुद्दे हैं वो किससे रिलेटेड है संबंधित है उन बदलाव से जो इस लोकल एनवायरनमेंट में है इंडिविजुअल के या जो उसकी इनर लाइफ है उसका कहाँ तक रेंज है. The facts of the contemporary history are also facts about the success and the failure of individual and man. जो contemporary history के जो facts हैं तथ्य हैं वही success और failure जो individual men and women हैं उसके भी तथ्य हैं. When a society is industrialized, a peasant becomes a worker. A feudal lord is liquidated or becomes a businessman. जब society में जो है औद्योगिकरण हो जाता है industries आ जाती हैं तो जो किसान है या जो आम इंसान है वो worker बन जाता है. जो feudal lord है अब वो भी जो है बिजनेसमैन बन जाता है. व्हेन क्लास और राइज फॉल अ मैन इज एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड. जब क्लासेस का उत्थान या पतन होता है तो मैन जो है वो आइदर रोजगार होता है या बेरोजगार होता है. व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गोज अप और डाउन द मैन टेक्स न्यू हार्ट और गोज ब्रोक. अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है उसी तरीके से इंसान की भी जो एक या तो ऊपर बढ़ जाता है और कोशिश करता है या फिर टूट जाता है. When wars happens, an insurance salesman becomes a rocket launcher. जब युद्ध होता है तो जो insurance salesman है वो एक तरह से rocket launcher बन जाता है. A store clerk, a radar man, a wife lives alone. अब store clerk हो गया, radar man हो गया, एक wife अकेली रह जाती है. A child also grows up without a father. उस time पर वो जो बच्चा है वो बिना father के grow करता है. Neither the life of an individual nor the history of the society can be understood without understanding both. तो ना ही इंडिविजुअल की जिंदगी ना ही सोसाइटी की हिस्ट्री को समझ सकते हैं जब तक हम दोनों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे. प्लुरालिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज. इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड वी बिलोंग इन अ सेंस टू मोर देन वन सोसाइटी. अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक से ज्यादा समाज को बिलोंग करते हैं. व्हेन एमिड फॉरनर्स रेफरेंस टू अवर सोसाइटी मे मीन इंडियन सोसाइटी. जब हम फॉरनर्स से घिरे हुए होते हैं तो हम जब अवर सोसाइटी को बोलते हैं तो इसका मतलब है हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं. बट व्हेन अमंग्स फेलो इंडियंस वी मे यूज अ टर्म अवर सोसाइटी टू डिनोट अ लिंग्विस्टिक और एथनिक कम्युनिटी अ रिलीजियस और कास्ट और ट्राइबल सोसाइटी. पर यही अगर हम अपने आपस में इंडियंस के ही बीच में होते हैं तब हम अवर सोसाइटी जब डिनोट करते हैं तो इसका मतलब हम भाषा या एथनिक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस या कास्ट या ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं. दिस डाइवर्सिटी मेक्स डिसाइडिंग विच सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट डिफिकल्ट.
अब ये जो भिन्नता है ये बहुत मुश्किल एक तरह से क्रिएट करती है ये डिसाइड करने के लिए कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। बट परहैप्स दिस डिफिकल्टी ऑफ मैपिंग सोसाइटी इज वन नॉट कन्फाइंड टू सोशियोलॉजिस्ट अलोन एज द कमेंट बिलो विल शो। पर ये जो मुश्किल है कि हम सोसाइटी को कैसे जांचें कि हम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, ये खाली सोशियोलॉजिस्ट तक ही सीमित नहीं है। अभी आप जो नीचे कमेंट दिया है उसको पढ़ेंगे तो भी आपको आइडिया लगेगा। While reflecting on what to focus on in his films, the great Indian filmmaker Satyajit Ray wondered. अब जब वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी फिल्म में किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ, तो ऐसे में जो ग्रेट इंडियन फिल्ममेकर हैं सत्यजीत रे, उन्होंने क्या कहा? What should you put in your films? क्या दिखाएं हम अपनी फिल्म्स में? What can you leave out? क्या छोड़ें और क्या दिखाएं? Would you leave the city behind or go to the village where cows graze in the endless fields and the shepherds play the flute? क्या हम अपने शहर को पीछे छोड़ देते हैं और गांव में जाते हैं जहां पर गाय जो है वो कितने दूर दूर तक खत्म वाले होने वाले जो खेत हैं उनमें चर रही हैं, या जो गडरिये हैं वो फ्लूट बजा रहे हैं? यू कैन मेक अ फिल्म हियर दैट वुड बी प्योर एंड फ्रेश एंड हैव द डेलिकेट रिदम ऑफ अ बोट्समैन सॉन्ग। तुम यहाँ पर आराम से पिक्चर बना सकते हो, एक बिल्कुल प्योर और बिल्कुल फ्रेश एनवायरमेंट होगा जहाँ पर एक बहुत ही मधुर सी धुन जो है वो एक बोटमैन के गाने की आ रही होगी। और वुड यू रेदर गो बैक इन टाइम वे बैक टू एपिक्स वेयर द गॉड्स एंड डेमन्स टुक साइड्स इन द ग्रेट बैटल्स वेयर ब्रदर किल्स ब्रदर्स, या फिर ऐसा करें कि बिल्कुल ही पीछे चले जाएं एपिक्स के जमाने में जब गॉड्स और डेमन्स जो हैं वो युद्ध में हिस्सा लेते थे जहां पर जो भाई भाई को मार देते थे? और वुड यू रेदर स्टे वेयर यू आर राइट इन द प्रेजेंट इन द हार्ट्स ऑफ द मॉन्स्ट्रस teeming, bewildering city and try to orchestrate its dizzying contrast of sight and sound and milieu. यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ तुम हो वहीं रहो, यानी कि at present जहाँ पर हो वहीं रहो, इस ये जो confused सा monstrous सा city दिखता है इसके बीचों बीच रहो और कोशिश करो कि जितने भी elements हैं जो बिल्कुल ही कंट्रास्ट है साइट साउंड और मिलेव के, इन सब को जो है एक तरह से एलिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश करो और तब जाके कुछ क्रिएट करो। दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू फोकस इन सोसाइटी इज इंडीड सेंट्रल टू सोशियोलॉजी। अब ये जो क्वेश्चन है कि हम सोसाइटी में किस पर फोकस करें, ये हाँ मेन मुख्य हो सकता है, सेंटर हो सकता है सोशियोलॉजी के लिए। वी कैन टेक सत्यजीत रे कमेंट्स फर्दर एंड वंडर वेदर हिज डिपिक्शन ऑफ अ विलेज इज रोमांटिक। अब अगर हम सत्यजीत रे का जो कमेंट है उसको आगे ले जाएं और ये सोचें कि क्या उनका जो गांव का एक जो उन्होंने दिखाया है एनवायरनमेंट, क्या वो बहुत रोमांटिक है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू कंट्रास्ट दिस विद द सोशियोलॉजिस्ट अकाउंट ऑफ द दलित इन द विलेज बिलो। अब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम उसको कंपेयर करें एक सोशियोलॉजिस्ट ने जो दलित के बारे में बताया है गाँव के अंदर। द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम He was sitting on a dusty road in front of one of the small thatched roof tea shops in the village with his glass and saucer placed conspicuously behind him. जब मैंने पहली बार उसे देखा वो एक धूल भरी सड़क पे एक छोटे से जो थैच वाली होती है झोपड़ी नुमा जो टी शॉप्स होती हैं उसके गांव के अंदर उसके सामने बैठा हुआ था। उसके पास जो है एक ग्लास और एक प्लेट रखी थी जो बिल्कुल उसके बगल में थी। A silent signal to the shopkeeper that an untouchable want to buy some tea. और एक बहुत चुपचाप इशारा था दुकान वाले के लिए कि एक अनटचेबल जो है कुछ चाय लेना चाहता है। मूली वॉज गॉन 40 ईयर ओल्ड विद बीटल ब्लैक एंड टीथ हु वोर हिज लॉन्ग हेयर स्वेप्ट बैक। मूली जो है एक 40 साल का आदमी था जिसके दांत जो हैं वो पान खाने की वजह से काले से हो गए थे और वो जो है अपने लंबे बाल जो हैं उसके काफ़ी लंबे बाल थे जो उसने खुले छोड़े हुए थे। A quote from Amartya Sen perhaps illustrate well how inequality is central to differences among societies. अब Amartya Sen का जो quote है वो हमें बहुत सही तरीके से दर्शाता है कि कैसे असमानता जो है वो मुख्य है जो भी हमारी societies के बीच में difference है उसके लिए। Some Indians are rich, most are not. कुछ Indians जो हैं वो रईस हैं, ज़्यादातर नहीं। Some are very well educated, others are illiterate. कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाकी ये सब बिना पढ़े लिखे। Some led to easily lives of luxury, others toil hard for little reward. कुछ जो हैं आसानी से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, कुछ ऐसे होते हैं या बाकी ऐसे होते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा सा उनको जो है रिवॉर्ड मिलता है। Some are politically powerful, others cannot influence anything.
कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकली तौर पे पावरफुल होते हैं, पर बाकी सब जो है हर किसी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते। सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट इन लाइफ, अदर लैक्स देम ऑलटुगेदर। बहुत ही कुछ के पास ऐसे मौके होते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, पर बाकी सबके पास नहीं होते। सम आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय द पुलिस, अदर्स आर ट्रीटेड लाइक डर्ट। कुछ को तो ऐसे ट्रीट करती है पुलिस, जिसे बहुत इज्जत देती है, बाकी सबको जो है एक तरह से धूल समझ के या डर्ट समझ के जो है ट्रीटमेंट मिलता है। These are the different kinds of inequality and each of them requires serious attention. ये है जो अलग अलग तरह की असमानताएं हैं और हर एक को बहुत जरूरी है कि उस पर सीरियस तौर से ध्यान दिया जाए।